नमस्कार राधे राधे, मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को भाद्रपद शुक्ल अष्टमी माता महाकाली महालक्ष्मी पूजन की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। महाकाली महालक्ष्मी का यह पूजन भादों शुक्ला अष्टमी से आरंभ होकर अश्विन की कृष्ण अष्टमी तक चलता है। स्त्रियां कच्चे सूत के गंडे बनवाती हैं, इसमें 16 धागे होते हैं, इसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं। भादों शुक्ला अष्टमी को जब इस अनुष्ठान का आरंभ होता है तब स्त्रियां समीपस्थ नदी या तालाब में जाकर स्नान करती हैं। सधवा स्त्रियां अपने अपने सिर पर 40-40 लोटे डालकर धूप सहित 16 अंजलि से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। फिर घर पर आकर शुद्ध स्थान पर चौकी रखकर उस पर गंडा रखकर लक्ष्मी जी का आवाहन करती हैं, गंडे का पूजन तथा हवन करती हैं। इस व्रत के संबंध में 16 की संख्या का बड़ा महत्व है। महाकाली महालक्ष्मी के इस व्रत को करने वाली स्त्रियां प्रतिवर्ष नियम पूर्वक 16 वर्षों तक इस व्रत को करती हैं। इस व्रत का उद्यापन 16वें वर्ष में होता है। अंतिम दिन लक्ष्मी जी की मूर्ति अथवा अल्पना पर गंडे को धूप सहित रखकर पूजन किया जाता है। भोजन में पूरी पुआ के साथ 16 पिंडियाँ या 16 जरूरी होना चाहिए। पाट या कदली के पत्र पर महाकाली तथा महालक्ष्मी की पुतलियाँ बनाई जाती हैं। आसपास आम तथा नीम के वन के संदर्भ में 2 वृक्ष बनाए जाते हैं। यहाँ हाथी पर सवार राजा, हाथी के नीचे सुअर, हाथी के आगे पंडित, छोटी रानी की बगल कहारों के कंधे पर पालकी बनाई जाती है। इस व्रत पर 16 बोल की कहानी 16 बार कही व चावल छोड़े जाते हैं। अश्विन कृष्ण अष्टमी को 16 पकवान पकाए जाते हैं। 16 बोल की कथा है, अमोती दमोती रानी, पोला परपाटन गांव, मगर सैन राजा, बंभन बरुआ, कहे कहानी, सुना हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। आइए महाकाली महालक्ष्मी पूजन वाले दिन और इस व्रत में सर्वाधिक सुनी और पढ़ी जाने वाली कहानी का श्रवण करते हैं। यह कहानी एक हाथी की कहानी है। इस कथा के अनुसार एक राजा की 2 रानियां थीं। एक रानी का केवल एक ही लड़का था, दूसरी रानी के बहुत से लड़के थे। महालक्ष्मी पूजन के दिन छोटी रानी के बहुत से पुत्रों ने मिट्टी के लौंदे का हाथी बनाया जो बहुत बड़ा बन गया। रानी ने उसकी पूजा की। दूसरी रानी सिर नीचा किए खड़ी रही। लड़के के पूछने पर माँ ने थोड़ी सी मिट्टी लाने को कहा। मैं भी उसका हाथी बनाकर पूजा कर लूँ। देखो तो तुम्हारे भाइयों ने कितना बड़ा हाथी बनाया है। पर लड़के ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लाता हूँ। लड़का इंद्र के यहाँ गया, अपनी माता के पूजन हेतु वह ऐरावत को ले आया। माता ने सप्रेम पूजन करके कहा, क्या करें, किसी के 160, मेरा एक पुत्र पुजावे आस। हम सब पर माता महाकाली महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।